नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप टेली प्राइम के अंदर किस तरह से क्रेडिट नोट और डेबिट नोट की एंट्री पास कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे आदित्य कॉरपोरेशन से हमने कुछ आइटम्स पहले से ही परचेज किया हुआ है। यहां पर आप देखेंगे J5 का हमने आइटम परचेज किया है 10 पीस, जिसकी कॉस्ट थी 12,000 रुपए। टोटल 1,20,000 रुपए का हमने ये आइटम परचेज किया है। उसके बाद S510 जो कि 10 पीस हमने परचेज किया है 15,000 रुपए के हिसाब से, तो 1,50,000 रुपए का हमने ये परचेज किया है। टोटल इनको इंक्लूड करेंगे तो 2,70,000 रुपए का हमने आइटम परचेज किया है, जिसके ऊपर आपका CGST और SGST लगा है। टोटल जो अमाउंट बनता है वो 3,18,600 रुपए का हमने गुड्स को परचेज किया है। परचेज करने के बाद अब हमने किया क्या, उसी आइटम में से हमने कुछ आइटम्स यानी 5-5 पीस कमल इंडस्ट्रीज को सेल कर दिया। तो आप देखेंगे कमल इंडस्ट्रीज को हमने जो आइटम सेल किया है वो 12,500 रुपए के हिसाब से सेल किया है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे हमने जो S510 परचेज किया था उसको हमने 15,500 के हिसाब से सेल किया है। तो टोटल जो हमारी सेल है वो 1,65,200 रुपए की हमने टोटल सेल की है IGST में। अब मान लीजिए कि कमल इंडस्ट्रीज ने हमारे जो आइटम्स हमसे परचेज किया था उसने उसमें से एक एक पीस उसने रिटर्न कर दिया, हो सकता है उस आइटम के अंदर कोई खराबी हो। तो अब इसकी रिटर्न की एंट्री हम कैसे पास करेंगे, इसका मैं पहले आपको इनवॉइस दिखा देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर इसका जो इनवॉइस है वो हम सेल कर चुके हैं। यहाँ पर आप देखेंगे हमने ये आइटम सेल कर दिया है 5-5 पीस, किसको सेल किया है, कमल इंडस्ट्रीज को सेल किया है। तो अब हम इस आइटम को रिटर्न लेंगे, तो रिटर्न की एंट्री हम किस तरह से पास करते हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। उसके लिए आप स्कैप करके पीछे आ जाइए। पीछे आने के बाद आपको जाना होगा सीधे वाउचर्स के अंदर। वाउचर्स के अंदर जाने के बाद आप अपने कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं F10। F10 प्रेस करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा क्रेडिट नोट का। तो क्रेडिट नोट की शॉर्टकट की आप Alt F6 भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर सीधे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे क्रेडिट नोट का वाउचर आपके सामने ओपन हो गया और यहाँ पर आप अपनी पार्टी का नेम लेंगे जिससे आप गुड्स को रिटर्न ले रहे हैं। तो हमने ले लिया कमल इंडस्ट्रीज को और यहाँ पर आपको सिंपल एंटर करके इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको यहाँ भी एंटर करके सेव कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ पर आपको सेल लेना है और जिस आइटम को आप रिटर्न ले रहे हैं आपको उस आइटम को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो मान लीजिए मैं आपका एक आइटम है J5, वो रिटर्न ले रहा हूँ। कितने पीस रिटर्न ले रहा हूँ, ए सिंगल एक पीस रिटर्न ले रहा हूँ। कितने का रेट था, 12,500 का रेट था, तो हमने इसको रिटर्न ले लिया। इसके बाद हम दूसरा आइटम ले लेते हैं कि दूसरा आइटम हमारा कौन सा रिटर्न आ रहा है। तो S510 है, जिसका क्वांटिटी कितनी है, तो एक पीस रिटर्न आ रही है। इसकी कॉस्ट कितनी थी, 15,500 थी, तो ये भी हमने रिटर्न ले लिया। रिटर्न लेने के बाद इसके ऊपर जो टैक्सेशन लगा था वो भी रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पर जाएंगे हम सीधे IGST सिलेक्ट करेंगे। IGST सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर इसकी IGST कॉस्ट आ गई 5,040 रुपए, तो ये भी रिटर्न हो गया। यानी टोटल जो अमाउंट था वो 33,040 रुपए का हमारा अमाउंट रिटर्न हो गया। हम इसकी एंट्री को कर देते हैं यहाँ से पास। यहाँ पर आपको नो रखना है प्रोवाइड GST डिटेल के अंदर और यहाँ पर आपको सिंगल एंटर करके सेव कर देना है। सेव करने के बाद मैं आपको अब स्टॉक आइटम दिखा देता हूँ। स्कैप करके आप पीछे आ जाइए, यहाँ से चले जाइए स्टॉक समरी के अंदर और यहाँ पर अपने कीबोर्ड से प्रेस करिए Alt F1। Alt F1 प्रेस करने के बाद आप देखेंगे आपके पास 6 पीस J5 आ गया और 6 पीस आपके पास S510 शो हो गया। अब मान लीजिए ये जो एक एक पीस हमारे पास रिटर्न आया है, अब इस रिटर्न को हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे। यानी कि जो हमारे पास रिटर्न आया है उस आइटम के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई खराबी है, तो हमने जिससे ये गुड्स को परचेज किया था हम उसको ये गुड्स रिटर्न कर देंगे। तो हम उसको कैसे रिटर्न करेंगे ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। उसके लिए स्कैप करके आप पीछे आएंगे, यहाँ से वाउचर्स के अंदर जाएंगे और यहाँ से अब हमें यूज करना होगा डेबिट नोट। तो डेबिट नोट के लिए सेम उसी तरीके से आप F10 दबाइए। F10 दबाने के बाद आप देखेंगे डेबिट नोट की जो शॉर्टकट की है वो है Alt+F5। यहाँ से आप डेबिट नोट को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर Alt+F5 का यूज कर सकते हैं। हमने जिस पार्टी से गुड्स को परचेज किया था हम उस पार्टी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमारा आदित्य कॉरपोरेशन था जिससे हमने गुड्स को परचेज किया था। इसके बाद यहाँ पर आप कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे, यहाँ पर परचेज ले लेंगे। परचेज लेने के बाद आप जिस आइटम को रिटर्न कर रहे हैं उस आइटम को यहाँ पर आप ले लेंगे। तो आप देखेंगे आपके पास 6-6 पीस है, तो हमारे पास जो रिटर्न गुड्स आया था वो एक सिंगल एक पीस आया था, तो हम उस पीस को यहाँ से रिटर्न कर देते हैं। तो आप देखेंगे हमारे पास जो हमने उससे परचेज किया था वो 12,000 रुपए का परचेज किया था, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली उसका अमाउंट शो हो गया। इस पे आप एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद आप नीचे आ जाएंगे, आप दूसरा आइटम ले लेंगे। दूसरा आइटम लेने के बाद यहाँ पर भी आपको एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर आपकी क्वांटिटी दे देनी है, कितने पीस आप इसका रिटर्न कर रहे हो। तो इसके बाद यहाँ पर भी एंटर करके आप नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद आपको इसके नीचे आना है और यहाँ पर आपको यूज करना है टैक्सेशन, CGST और SGST टैक्सेशन के हिसाब से परचेज किया था। तो यहाँ पर हम CGST और SGST लगा देंगे और इसके बाद आप देखेंगे उसका टैक्सेशन यहाँ पर शो अप हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे 31,860 रुपए का गुड्स हमारा रिटर्न हो रहा है। तो यहाँ पर हम इसको नो रखेंगे और नो रखने के बाद हम इसकी एंट्री को यहाँ पे
पास करा देंगे। पास कराने के बाद हम इसको सेव कर देते हैं और अब वापस चले जाते हैं अपने स्टॉक समरी पे, और यहाँ से स्टॉक समरी पे क्लिक करेंगे और ऑल्ट F1 दबा करके हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास जो J5 का आइटम है वो 5 पीस बचा है और जो S510 है वो आपके पास 5 पीस बचा है, यानी कि हमारा जो हमारे पास जो गुड्स रिटर्न आया था वो हमने आगे भी फॉरवर्ड कर दिया, यानी आगे उसको रिटर्न कर दिया। तो ये था हमारा डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।